चलें जी, मैंने ये सारा मेकअप निकाल लिया था उस बैग से और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने हैंग किया हुआ है ये वाला बैग और अंदर से कितना गंदा हो रहा है, और इसको मैं ना धो ही दूँगी अच्छे तरीके से। ये मटेरियल ऐसा है कि आराम से ये वॉश हो जाएगा और देखे साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये है कितना ज़बरदस्त, ये मैंने ना निशात से लिया था, निशात लीलन से। तो उसके बाद जी ये मेकअप भी आ जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि जो इसमें पाकिस्तानी ब्रांड का मेकअप है ना, मैं सिर्फ उसका ही आपको बताऊंगी, लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। वैसे ही मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये उनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, तो मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ। देखिए ना, इसमें से मैंने कितने शेड्स यूज़ किए हैं, लेकिन ये बीच में जो है ना, ये यूज़ नहीं हुआ, ये टूट गया था। तो ये सारे, ये देखें, पिंक कलर के हैं और शिमर्स भी हैं और मैट भी हैं। बहुत प्यारी ये पैलेट थी और ये बाहर दुबई से आई थी, तो मतलब ये पाकिस्तानी नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो ये वाली जी चाइना से आई हुई है, ये कोरियन ब्रांड की है और इसके कलर आप चेक करें, इसमें गोल्डन कलर भी है, इसमें भी मैट और शिमर्स दोनों हैं। तो ये बहुत प्यारी है और मैंने ये इतनी यूज़ नहीं की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपनी पैलेट्स दिखाई हुई हैं, मैं ज़्यादातर मेकअप उनमें से करती हूँ, इसलिए ये बस एक साइड पे पड़ी रह गई हैं। अच्छा जी, ये भी हो गई। ये वाली देखें, इसमें ब्लू कलर भी है, गोल्डन कलर, ब्राउन, ब्लैक, मतलब ब्लू स्मोकी आइस भी बन सकती है और ब्लैक भी बन सकती है। उसके अलावा इसमें गोल्डन भी है, मतलब इस एक इतनी छोटी सी पैलेट से काफ़ी ज़्यादा आइस बन सकती हैं और बहुत किस्म की बन सकती हैं। और ये भी देखें, ये मैट है ऊपर कलर और नीचे ये गोल्डन, और ये जो ब्लू है इसमें थोड़ा थोड़ा ना शिमर है। और ये देखें, ये कलर ब्लशन का भी इसमें कलर बहुत प्यारा है। और जो मैं आपको प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी दिखाती हूँ, इसके कलर देखें, ये इतनी ये प्यारी है ना, सच में बहुत प्यारी है। इसके ग्रीन कलर्स भी बहुत प्यारे हैं और ये जो नीचे है वो ब्लैक कलर, इसमें शायद वीडियो में नज़र आ रहा है लेकिन ब्लैक नहीं है, ये भी ना ग्रीन की एक शेड है, मतलब मिक्स है। और इसमें जो ग्लिटर नज़र आ रहा है वो ग्रीन कलर का है, बहुत प्यारी ये लगती है। पर्पल शेड में ये आ जाती है, ये देखिए, इसके कलर भी बहुत प्यारे हैं। मतलब काश ये सारी पाकिस्तानी ब्रांड की होती तो मैं आपको बताती कि कौन सी किस ब्रांड की है। तो खैर, ये देखें, इसके कलर चेक करें, मतलब ये कलर ही डिफरेंट होते हैं और इतने अच्छे लगते हैं ना ये कलर लगाए हुए। ये देखें, बहुत प्यारा ये कलर है। मेरा एक ड्रेस था पर्पल कलर का, उसके साथ मैंने सेम इस पैलेट से आईज़ बनाई थी, तो बहुत प्यारी बनती हैं। तो इसके अलावा जो इसमें से पाकिस्तानी ब्रांड का है वो ही मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ, अब मैंने वो बैग में से जो जो निकलना था वो तो बताना ही था। तो इसके अलावा फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी। ये इतनी प्यारी क्रीमी आई शेडो थी और ये पहले मिलती थी एट्यूड, ये एट्यूड की थी और ये तो अब आती भी नहीं है, लेकिन ये देखें बहुत पुरानी पड़ी हुई है मेरे पास। और ये इतनी ज़बरदस्त थी कि ये आई पे लगाई हुई और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इतनी ज़बरदस्त थी। ये हाइलाइटर के भी काम आती थी और आई शेडो के भी काम आती थी, बहुत ज़बरदस्त है। ये एक्सपायर हो चुकी हुई है, इसको मैंने फेंकना है, तो और भी देखना पड़ेगा। आपको पता है कि चीज़ों की मतलब स्मेल से ही पता चल जाता है कि कौन सी एक्सपायर है कौन सी, और आपको पता ही होता है कि आपका मेकअप ये वाला कितने साल पुराना है। और ये ब्लशन देखें, ये निविया का है, ये भी मेरे पास ना काफ़ी पुराना है, तो मैंने इतना यूज़ नहीं किया हुआ। और कलर इसका चेक करें, कितना प्यारा है, बहुत प्यारा ये कलर था। पता नहीं मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, मुझे नहीं पता। बाकी इसमें कुछ ब्रशेज हैं, कुछ मस्काराज हैं, कोई लाइनर है, पेंसिल्स हैं और फाउंडेशन है, और बस काफ़ी कुछ है इसमें। तो
अगर तो वीडियो पसंद आई मस्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वैसे ये जो है ना, ये ऐसे कलर्स नहीं मिलते यहाँ से, जितने मर्जी ढूंढ लेना ऐसे कलर्स आपको यहाँ से नहीं मिलते। अच्छा पर्पल कलर आपने बहुत सारे देखे होंगे लेकिन ऐसा पर्पल कलर नहीं आपने देखा होगा। ये मैंने आपको दिखाई थी, ये मेरे ख्याल से कोई ना पाकिस्तानी ब्रांड की ही है। इसका नाम मायो है कि मायो है, और ये SB स्टोर से ली थी यहाँ से, और ये भी अच्छी है काफ़ी। बस यूज़ नहीं की, ली हुई है, लेकिन ये वाली जो है ना ये पाकिस्तानी ब्रांड की नहीं है। ये भी ना मेड इन फ्रांस है। हाँ जी वही है। चले कोई बात नहीं है, तो मेरा पुराना मेकअप था और मेरे ख्याल से इसमें से आधे से ज़्यादा एक्सपायर हो चुका है, तो आगे तो नहीं हम लेंगे ये वाला मेकअप, तो देखती हैं क्या करती हूँ। मैंने ये मेकअप की इसलिए वीडियो बनाई है कि मैं कोई मतलब वो प्रमोट नहीं कर रही हूँ ये बाहर की चीज़ों को। मैंने तो आपको ये बताया था ना कि इस बैग में मेरा क्या क्या निकला, और बहुत पुराना मेरा ये पड़ा हुआ था बैग, तो मैंने इसमें से कोई चीज़ें यूज़ नहीं की। हालांकि इसमें मेरी काफ़ी नई चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, ये हो गई, ये हो गई, और पता नहीं मैंने क्या क्या मिक्स किया हुआ है इसमें। तो और रिव्यू मैं उस चीज़ का दूंगी जो कि पाकिस्तानी है।